थैंक यू माननीय श्री सैयद नासिर हुसैन जी। थैंक यू चेयरमैन सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बिकॉज ऑफ द टाइम ओवर रन बाय योर प्रीवियस स्पीकर, यू गॉट वन मिनट, यू कैन टेक अ फ्यू मोर मिनट्स एंड ट्राई। आई वाज टोल्ड आई विल बी टेकिंग वन मिनट, तो उठ के बैठने हो जाएगा। आई एम जस्ट सेइंग दैट यू टेक अ फ्यू मोर मिनट्स एंड यू मेक योर स्टेटमेंट। सर काफी लोग ऑलरेडी बात किए हैं। अभी हमारी एमपी लास्ट में वंदना चौहान मैडम जब बात कर रही थी, लास्ट में उन्होंने बोला कि वी ऑलरेडी फॉरगॉटन दैट वी आर ए वेलफेयर स्टेट। सर एनी वी आर ए डेमोक्रेटिक स्टेट, सर एनी डेमोक्रेटिक स्टेट विल एसेंशियली हैव टू बी ए वेलफेयर स्टेट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कवर्स ऑलमोस्ट लाइक 50 to 60 crores इंडियंस। इट इज इट्स ड्यूटी टू नॉट ओनली सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द लेबर फोर्स ऑफ आर कंट्री, बट ऑल्सो टू सी दैट देर इज इनफ jobs for the people in our country, sir. But unfortunately, like all governments, this government has its own orientations, it has its own ideological positioning, it has its own policy intervention, which makes it very, very clear that this government, as we have all been speaking, is pro-capitalist, this government is pro-big business, this government is pro-cronyism. This is a suit-boot ki sarkar. That's the reason why we call it a suit boot ki sarkar. और ये सिर्फ यही नहीं सर, सारे मंत्रालय के इनके जो जितने पॉलिसीज हैं उसको देखते हैं तो एकदम साफ होता है कि ये सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन, लगातार पीएससी उसको बेचना, लगातार डिसइन्वेस्टमेंट, जिससे जो है हमारे लेबर के ऊपर जबरदस्त असर पड़ा है। इसकी वजह से दे आर अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस इन आर कंट्री सर, बिकॉज एवरी वन नोज एवरीथिंग इज गेटिंग प्रायोरिटीज, नो जॉब्स नथिंग। वन ऑफ माई फ्रेंड अभी जो बीजेपी से बात कर रहे थे, एक सीनियर लीडर थे, वो बात कर रहे, शुक्ला जी कह रहे थे ना, वो कह रहे थे कि पीएसयू हम लोगों ने जो मेक इन इंडिया का स्लोगन नहीं दिया था, मोदी जी आने के बाद मेक इन इंडिया का स्लोगन दिया। 370 से ज्यादा जो पीएसयू हिंदुस्तान में है उसमें मेजोरिटी 80-90% जो पीएसयू कांग्रेस के रजिम में, कांग्रेस के रूल के टाइम पे बने थे। जो एचएएल बीएचएल बीएमएल ये सब क्या मेक इन इंडिया नहीं कर रहे तो क्या कर रहे थे? हम लोग खोखले स्लोगन्स नहीं देते, हम लोग काम करते हैं। और वो जो पीएसयू हम लोग ने बनाया था उसको बेचने का काम ये सरकार लगातार कर रही है। तो ऐसी एक सिचुएशन जब है हिंदुस्तान में और लगातार लेबर के ऊपर मार पे मार लेबर पे पड़ रही है, तो हमारी सरकार जो है लेबर कोड्स लेके आती है। सर लेबर कोड्स लेके आके हमारी सरकार एम्प्लॉयर्स को स्वीपिंग पावर्स देती है। हायरिंग एंड फायरिंग जो है बहुत आसान हो जाता है, यूनियनिज्म कर नहीं सकते, स्ट्राइक कर नहीं सकते, बागेन कर नहीं सकते, आप जो है नेगोशिएट कर नहीं सकते। आप यहाँ डिजिटलाइजेशन हो रहा है हिंदुस्तान में, डिजिटलाइजेशन का नारा लगातार दिया जाता, उससे जो है जब कंप्यूटराइजेशन होता है, डिजिटलाइजेशन होता है, तो ऑफिसर्स में हो, फैक्ट्रीज में हो, मिल्स में हो, लोग काम करने की तादाद कम हो जा रही है, क्योंकि हम ज्यादातर डिजिटलाइजेशन पर हम लोग डिपेंड हो रहे हैं। जब तादाद कम हो रही है तो यूनियन बनाने की संख्या आप बढ़ाते क्यों हैं? 100 से 300 आप कर देते हैं, इसका मतलब जहां कम संख्या में लोग हैं वहां पे यूनियन हो नहीं सकती है। दे डोंट हैव एनी राइट टू नेगोशिएट, दे डोंट हैव एनी राइट टू बार्गेन विद देयर एम्प्लॉयर्स। ये स्वीपिंग पावर जो एम्प्लॉयर्स को दे रहे हैं सर, ये अगेन दिस शोस दैट दिस सरकार इज कंप्लीटली प्रो बिजनेस, दिस बिग बिजनेस, दिस सरकार इज कंप्लीटली प्रो कैपिटलिस्ट। सर ये लगातार यहां पर बात हो रही थी कि हम लोगों ने 2014 के बाद में ये सरकार आने के बाद ऐसा काम की वैसा काम की, ये सरकार जो है हेलो स्लोगन्स की सरकार है। ये सरकार बड़े खोखले स्लोगन्स देती है, कभी कभी बजटरी एलोकेशंस भी कर देती है, लेकिन करने के बाद हम लोगों ने 2014 के पहले हमारे जो स्कीम्स, हमारे जो प्रोग्राम्स होते थे, हमारे जो लेबर मिनिस्टर्स रहते थे, हमारे एलओपी भी लेबर मिनिस्टर थे, हमारे पहले लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम जी से लेके हमारे लेबर मिनिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए, हम लोगों ने बहुत सारे स्कीम्स दिए, लेकिन जब बजटरी एलोकेशन उसे होता था तो हम लोग पूरी कोशिश करते थे कि पूरा वो एलोकेशन जो होता उसका पूरा इस्तेमाल हो, हम पूरा उसको इंप्लीमेंट करें, स्कीम को जमीन तक लेके जाएं, मजदूर तक उसको पहुंचाएं, गरीब तक उसको पहुंचाने का काम हम लोग करते थे। अब मैं यहाँ पे कुछ आंकड़े जो हम पहले मेरे से पहले जो बात कर रहे थे वो लगातार कुछ आंकड़े दे रहे थे, लेबर कोड्स के तहत इन्होंने वायलेशन किया ही है, इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन का 144
ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन का इन्होंने लेबर कोड का वायलेशन किया ही है, और हमारे ये जो अभी उठ के खड़े होकर लेबर मिनिस्टर बीच में इंटरव्यून करके बात कर रहे थे, बता रहे थे कि कंसल्टेशंस काफी हुए हैं। अगर कंसल्टेशंस हुए होते तो हमारे टॉप 10 सेंट्रल लेबर यूनियंस आईएलओ क्यों जाते, उनको क्यों चिट्ठी लिखते, और वहां से आईएलओ के डायरेक्टर जनरल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी क्यों लिखते, इंक्वायर करते हुए कि इसका वायलेशन क्यों हो रहा है करके। ऑलरेडी और बहुत सारे इस बीच में भी बहुत सारे एजिटेशन हो रहे हैं सर, हिंदुस्तान के कोने कोने में कहीं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कर रहे हैं तो कई मिल्स में एजिटेशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी हुआ था एजिटेशन, उसको उनको बातचीत करने के बजाय मसला हल करने के बजाय तो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेके आ गया, और ऑर्डिनेंस लेके आए ये लोग। बैंगलोर में छह महीने से ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री 1941 वन ऑफ द फर्स्ट PSUs वहां पे 100 से ज्यादा वर्कर्स जो है पिछले 6 महीने से एजिटेट कर रहे हैं। इनके चीफ लेबर ऑफिसर इंटरव्यून किए, स्टेट चीफ लेबर ऑफिसर इंटरव्यून किए, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी इंटरव्यून किए, और कोपू का मैं मेंबर हूं, कोपू के चेयरमैन संतोष गैंगवार साहब भी जो है इंटरव्यून किए, लेकिन वो मसले का हल नहीं हुआ, वो 6 महीने से बाहर वहां पे सड़कों पे बैठे हुए हैं। माने सदस्य कंक्लूड करें, ट्राई टू कंक्लूड। अभी तो शुरू किया हूं सर, यू हैव ऑलरेडी ओवररन बाय 5 मिनट्स, आई हैव गिवन यू 5 मोर मिनट्स, जस्ट कंक्लूड इन अनदर 2 मिनट्स। सर बहुत सारे इसमें ये लोग एक लो, बजट सीधा मैं बजट पे आता हूँ सर। बजट में जो एलोकेशन पिछली बार से थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन जो मिनिस्ट्री के जो ग्रांट्स थे, ग्रांट्स में जो पूछा गया उससे कम था। आप अगर देखें क्यों कम हुआ सर, क्योंकि जो है हर स्कीम में जो है जितना एलोकेशन पिछली बार हुआ था उससे कम इस्तेमाल किया गया, सिर्फ मात्र 2 स्कीम्स पे, एक स्कीम वो एम्प्लॉयज पेंशन वाला और PM रोजगार प्रोत्साहन योजना वाला, ये 100% ये इस्तेमाल हुआ था। बकर के सारे स्कीम्स आप देखें तो 12.63% से लेके 29.84% के बीच में इसका इस्तेमाल हुआ। मैं अब लिस्ट नहीं दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे पेपर रखूंगा, उससे एकदम क्लियर होगा। एक चीज के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा सर, NCLP के बारे में, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं उसका वाइस चेयरमैन होकर काम किया 3 साल तक। तो अभी NCLP ये लोग जो है मार्च के महीने में समग्र शिक्षा अभियान में उसको मर्ज कर दिया। सर NCLP का समझना चाहिए थे, राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे 1988 में उसको स्टार्ट किया था, जो 9 साल से 14-15 साल के बीच में जो हम चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू करके लेके आते हैं, उसको ला के उसको ब्रिज एजुकेशन देना, उसको स्किल एजुकेशन देना, उसको हेल्थ देना, उसको स्टाइफेंड देना, ये काम कनेक्ट किया। लेकिन ये आप उठा के सीधा रेगुलर स्कूल्स में उसको अगर डाल देंगे तो ये चाइल्ड लेबर जो है वहां पे मेरे ख्याल से कोप अप कर नहीं पाएगा सर। उसके साथ में वहां पे जो स्टाफ था, करीब 2000 स्टाफ था उनका, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोसाइटी थी, और 6000 स्पेशल स्कूल्स थे चाइल्ड लेबर के लिए। अब वो 6000 स्कूल्स में जो 30000 टीचर्स जो काम कर रहे थे, स्टाफ जो काम कर रहा था, प्लस वो सोसाइटीज में जो 2000 काम कर रहे थे, 32-35 हजार जो वहां पे काम कर रहे थे, उनका क्या होगा? अब उनको दरकरार करें तो वो लोग जाएंगे कहां? अरे और स्टाइफेंड 400 रुपए का ये चाइल्ड लेबर को दिया जाता था, सो दैट टू अट्रैक्ट द चाइल्ड लेबर इन द स्कूल। तो इसके अलावा बहुत सारा चीज है, मैं बोलना चाह रहा था लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है, सिर्फ इतना मैं लेबर मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा सर, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करके पहले हुआ करता था सर, ये कुछ साल से हो नहीं रहा, क्योंकि जो है जैसे ही आंकड़े नकारात्मक आने लगे तो ये जो है उसका सर्वे ही बंद करवा दिए। आप इसके सर्वे करवाने का और निकलवाने का इसके ऊपर क्या ये लेंगे, इसको ही गलत है। और साथ में बहुत सारे इश्यूज है सर, मैं आंकड़े देना चाह रहा हूँ, हर स्कीम में कम पैसा खर्च किया, इससे एकदम साफ दर्जा था जो हम ये प्रो लेबर नहीं, प्रो मजदूर नहीं, प्रो किसान नहीं। सिर्फ इतना एक नारा जो हम लोग हमेशा लगाते हैं, वो नारा मैं बोल के जो है अपनी बात खत्म करता हूँ, श्रम की कीमत श्रम की मान मांग रहा है मजदूर किसान। आप लोग जो है इलेक्शन डिविजिव टैक्टिक्स अपना के पोलराइज करके चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मजदूर किसान जो है मतलब 14 महीने तो किसान बैठा है, लेबर कोड जो मतलब वापस लीजिए, स्क्रैप कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो है फिर मजदूर भी हिंदुस्तान भर में 14-15 महीने आपके खिलाफ बैठना पड़े। जय हिंद। थैंक यू। माननीय श्री संजय सिंह जी, आपके पास कुल 4 मिनट है।